वो गंजड़ी अल्ले आता है सब नग रहा है। देखो बोल रहा हूँ किसी को कि चल पड़ो अभी, जैसे मेरा स्ट्रीट पे प्ले होने वाला है, कोई रिकॉर्ड करने वाला तो चाहिए। नाटक देखने के लिए ऑलरेडी भीड़ जमा होने लग गई है। देखो एक नुक्कड़ नाटक जो अगले 5 मिनट में इसी पार्क में शुरू हो जाएगा। ये नाटक पर चलो और फरमाइए सब लोग। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज जा रहे हैं हम रिहर्सल्स के लिए। आज देख सकते हो ब्रेकफास्ट में खास है चिल्ली और चाय, ठीक भी रहते, लाइट एंड हेल्दी। बाकी पीछे आप देख ही रहे हो योगा की सेशन चल रही है सुबह सवेरे। फ्लेक्सिबल देख रहे मेरी मम्मी करो करो। तो 4 महीने बाद छोलोगे? 4 दिन ये 4 महीने बाद छोलोगे? 4 महीने बाद? 4 महीने तो बहुत दूर है। तब रेगुलर करना है, तब तो छोलोगे? 1 महीने बाद पा जाता है। तो यार अभी मैं पापा के लिए ब्लाबला बुक कर रहा था, फिर से बता देता हूँ ब्लाबला क्या होता है। ब्लाबला एक मतलब एक सर्विस प्रोवाइड करते हो आप, जैसे आप शिमला टू चंडीगढ़ आ रहे हो अपनी गाड़ी में, तो आप अपनी राइड डाल सकते हो ब्लाबला की ऐप पे, तो उसमें आपको लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उन्होंने आपके साथ जाना है। बस के फेयर में वो आपके साथ आ सकते हैं फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़। तो बाकी सीन अब इसमें ये हो गया है कि मतलब अब जैसे टैक्सी वाले भी इसमें डालने लगे, जो टैक्सी वाले अप एंड डाउन ऑन डेली बेसिस करते हैं, तो उनका क्या रहता है, वो प्राइस इसमें शायद एक फिक्स रहता है शिमला टू चंडीगढ़ का, जो ऐप अपने हिसाब से फिक्स करती है। पाते जो टैक्सी वाले होते हैं उसको आप उनको आप कॉल करोगे ना बुक करने, राइड बुक करने के बाद, तो आपको ये बोलेंगे कि सर उसमें ज़्यादा नहीं हो पाता, तो फेयर तो 400 कुछ होगा, वो सब ये सब। पहले बहुत ज़्यादा सिंपल और काफ़ी कन्वीनियंट होता था, कन्वीनियंट तो चलो अभी भी है, मगर अब चालाकी इसमें भी आ गई है। वो टाइम वापस आ गया जब अब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सनराइज़ होगा यहाँ हर रोज़, तो अब टाइम लैप्सेस बना सकता हूँ मैं फिर से। इस टाइम की फील ही अलग है सच बताऊँ, जब ये मॉर्निंग टाइम होता है स्पेशली जब ये सनराइज होता है, बहुत ही प्यारा टाइम होता है भाई। अब सॉक 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 किधर जी? मम्मी को देखो बिस्तर में चकती अपनी, ताकि योगा के बाद वापस घुस सके मम्मी। तो फिर क्यों नहीं उठाया आपने? जा जाओ करो आप एक्सरसाइज करो योगा। तो योगा हो गया? तो पूरा करो पहले, पानी देती हूँ आधा काम। देखो मेरे दोस्त खुश हो जाता है मुझे देख के, मेरे इंतजार में होता है, मेरे पीछे आएगी नहीं वैसे, क्योंकि इनको आजकल बिस्किट देना बंद किया। बाय दोस्तों। इनको बिस्किट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि सोसाइटी वाले मना करते हैं कि फीडिंग मत करो डॉग्स को, क्योंकि छोटे बच्चों पे ना अटैक करते हैं कुत्ते, बाकी नहीं छोटे बच्चों को अटैक करते हैं। सोसाइटी वालों का है कि फीड मत करो। मेरे ख्याल से फीड तो चलो यार अब जब है तो इनको, अब है तो इनमें भी जानी है तो फीड कर सकते हैं, बट हाँ इनका कुछ करवा लो जैसे नसबंदी या कुछ करवा लो, ताकि आगे इनकी जनरेशन ही पैदा ना हो, वरना भाई इतने कुत्ता कुत्ते पैदा हो जाते हर 3-3, 4-4 महीने। एक अल्टीमेट पनीर बर्गर कर दीजिए आप, पेरी पेरी फ्राइज, कोल्ड कॉफी वैसे है अवेलेबल, तो आप विद आइसक्रीम बनाते हो उसका विदाउट? पाउडर आते हैं। मैं फ्री हो गया था और फ्री होने के बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कुछ खाने चलते हैं। पहले मैं सोचा KFC जाता हूँ 8 सेक्टर, फिर
फिर मैं KFC बहुत खा लिया, KFC चला रहता है, तो मैंने सोचा आज चेक करिए अंदर वाली मार्केट आते हैं, यहाँ कुछ खाएंगे जैसे शेक फ्राइज कुछ। सोचा सैलेड था, सैलेड यहाँ कहीं मिला नहीं मुझे। बर्गर, यह है द बर्गर कंपनी। ऑर्डर किया मैंने एक बर्गर, एक फ्राइज और एक शेक, मतलब एक कोल्ड कॉफ़ी। बाकी यार सुबह पापा के लिए एक ब्लाबला करवाई थी तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, दो ब्लाबला ने कैंसिल कर दिया मतलब अभी तक। तो एक और चेक करता हूँ अब मिल जाए यार होपफुली, वरना पापा आएंगे तो आएंगे कैसे, बस में आना पड़ेगा। पैक नहीं करना था वैसे, यही खाना था। हाँ कुछ अपना, ये देखो यहाँ बर्गर साथ में पेरी पेरी फ्राइज साथ में कोल्ड कॉफ़ी। इसकी स्मेल सुन सुन के अब ऐसी भूख लग रही है ना मुझे, इतनी तेज भूख लग रही है कि क्या ही बताऊं। तो पहले खाता हूं। अभी क्यों खा रहे हो दाल चावल? मैं सुबह दो ब्रेड पीस खाए। हां मैं तब खाऊंगी जब तू आएगा। मैं स्पेशली घर इसलिए आया क्योंकि अभी आज शायद हमारा स्ट्रीट प्ले है तो हमें करना है कॉस्ट्यूम चेंज, मतलब एक ब्लैक टी शर्ट नीचे से जीन, ब्लू जीन। कितने बजे स्ट्रीट? अब 5:00 से है, 5 से 6 है, 4 तक मैंने वापस पहुंचना है। एक रिहर्सल होगी पहले, उसके बाद जाके होगा फिर प्ले। अब कहाँ है क्या लोकेशन है वो मुझे भी नहीं पता अभी तक, वो शायद वहीं डिसाइड करेंगे। फिर उसका जैमिंग भी होगी शायद आज। तो यार अब देखनी पड़ेगी कौन सी जीन पहनो, ये पहननी पड़नी। ये है तो डार्क ब्लू बट कोई नहीं, चल जाएगा शायद। ये है कि मूवमेंट थोड़ी फ्री चाहिए क्योंकि उठना बैठना काफ़ी ज़्यादा भारी है। एक ये टी शर्ट होगी। हाँ जो एयरपोर्ट से या तो वही फ्री हो। इनको बोल रहा हूँ किसी को कि चल पड़ो अभी, जैसे मेरा स्ट्रीट पे प्ले होने वाला है, कोई रिकॉर्ड करने वाला तो चाहिए। तो मम्मी सबसे पहले हाथ खड़ा करके मैच चलती है। अभी तो कुछ नहीं, मेरा इतना वो नहीं है, मैं तो अभी कोरस में हूँ। तो जब तेरा रोल होगा तब आने का फायदा ना, जब तुम किसी उसमें तेरा कोई मेन रोल होगा उसमें। चल कोई नहीं। क्या कुछ तो हो गए, दाल आपने पीस दी। अभी जब बनेगा तब बताऊंगा। नाम तो बताओ। तो यार मम्मी कुछ एक्सपेरिमेंट करिए, देखो चालू में इनके पास है, इन्होंने फटाफट चेंज भी कर दिया। नहीं, जिसकी वीडियो देख रहे थे हैं वो बहुत हैवी हो जाते काफी हो है। ये मम्मी ने मिक्सचर जैसा तो बना दिया, बता नहीं रहे बस क्या है, चटनी जैसी है। देखो ये चटनी है। किसको बता? नमस्ते आंटी जी। हेलो हेलो तो 5:00 तो और भी बुरे हाल हो गया। सैटरडे ना ब्रो। अच्छा भूल ही गया मैं, हाँ सैटरडे को, सही बात है सैटरडे को। तो भाई पता तू बोल रहा था कि मैं फास्ट चला के निकाल दूंगा, मेरे को बोल रहा है कि मैं फास्ट, तू मेरे को दे गाड़ी में एकदम निकाल दूंगा, तो यहाँ से हवा से निकालेगा गाड़ी का। और इसकी डिस्कशन हो रही थी, मैंने इसको बोला मेरे को दे दे गाड़ी, मैं जल्दी निकाल लूंगा। तो मैंने क्या करना था, देख बाहर बाहर से मैंने निकला था। गलत होता ना अगर ट्रैफिक थोड़ा के साथ से देखा जाए तो, गलत भी तो है ना। तू पूरे पूरे रूल्स फॉलो करता है। आई एम वेयरिंग प्रॉपर सीट बेल्ट, आई एम वेयरिंग प्रॉपर मास्क। ओके, स्पीड लिमिट से ऊपर गया तू? कहां पे चले जाइयो, चले जाइयो, मैं लेट हो जाऊंगा अगर नहीं गया तो। स्पीड लिमिट इंडिया में वैसे भी कोई फॉलो नहीं करता भाई, बहुत रेयरली होती है स्पीड लिमिट फॉलो। गाड़ी किया केरेंस जो भी लेटेस्ट लॉन्च हुई है अर्टिगा के कंपटीशन में भाई, और सही में ज्यादा अच्छी और ज्यादा बड़ी लग रही है भाई, मुझे तो बेटर है। नाइस। और अगर आप इसका प्राइस सुन लोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे खुद भी। कितना? 8.99 लाख से शुरू है। हाँ। और 17 लाख तक जाती है। ऐसा तो नहीं खाली डब्बा तो दे दिया अंदर है भी है नहीं, कुछ? हाँ। बेस मॉडल में ही बहुत सारे फीचर्स है, 6 एयरबैग्स मिल रहे सोच बेस में। बेस में स्क्रीन मिल रही है, TFT डिस्क ब्रेक्स मिल रही है भाई, इन्होंने कंपटीशन फिर राइज अप कर दिया। इनको कंपटीशन है, इनको मार्केट में पोजीशन बनानी अपनी जरूरी है। गाइस यार हम आ गए 16 सेक्टर, बस अभी वॉशरूम करने आया था, अब निकलता हूँ धीरे धीरे अपने क्लास की तरफ को फिर, ताकि लेट ना हो जाओ। लेट तो क्या वैसे है, अभी 5 से 10 मिनट। तो यार ये वो जगह है जहाँ हमारा इवनिंग क्लासेस होती है सारी। तो ये 16 सेक्टर में एक जूनियर मॉडल स्कूल है, तो यहाँ सारी हमारी प्रैक्टिसेस वगैरह होती है। देखो
तरह बच्चों का भी हक बनता है कि उन्हें उनसे सही शिक्षा मिले, उन्हें कोई समझाए कि पीरियड्स, कंसेंट, एसटीडी। मेरे को ना एक दिक्कत हो रही है। क्या? वॉशरूम पॉटी? वाह भैया, पहले ये मत बोल दो क्यों इसमें दिक्कत क्या हो, तो तेरी हमेशा की दिक्कत है। अब ये देखो, ये सारे ये तेरा ग्रुप सारा? हाँ, सारा भी नहीं, अभी तो थोड़े थोड़े हैं। सब कुछ खुदा लौरा में ही होना है, जो भी होना है। हाँ, तो फिर एक ही जगह मिल जाएगी ना करने को सब खुदा लौरा, क्योंकि वो है वहाँ पे, वो बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न रहते हैं। नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न भी रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं। तो यार देखो, अभी हम खुदा लौरा से कहीं अंदर, पता नहीं किसी मार्केट में है या घर की तरफ। अब तो कमी है, 100-200 मीटर इतना ही है। यहीं कहीं दिखा रही थी लोकेशन तेरे साथ, मैंने भी ऐसी ऐसी जगह देख ली जो मैंने कभी देखी थी। वो देखो सामने, यहीं लगा ले गाड़ी। नाटक देखने के लिए ऑलरेडी भीड़ जमा होने लगी है। देखो ये देखो, इंतजार हो रहा है वो लोग कब कुछ प्रोड्यूस करेंगे। नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है द हिडन चैप्टर।
वही इसको देख के तनु बदन में अरे बच्चे में इस आदमी सुबह सुबह छेड़ता है एकदम नई गाड़ी है एकदम चाय था मार के गई है अरे यही तो उसका प्यार है अच्छा बेटे तुझे कैसे पता भी उससे भी तुझसे प्यार है वो कल ना मैंने उसे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी थी उसने एक्सेप्ट करी और मैंने उसे हाय भी कहा तो मतलब प्यार हो गया फॉलो कर लिया तो एंगेजमेंट हो गई कमेंट कर लिया तो मतलब शादी हो गई इसको फोन पे बात हो गई तो अबे बेवकूफ आदमी उसकी सहमति की भी तो जरूरत है जरूरत है भाई कंसेंट की सख्त जरूरत है बचपन में मुझे सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया गया होता
कॉन्डम, कॉन्डम क्या है? अरे बेटी आपको पता है कॉन्डम क्या होता है? नहीं पापा क्या होता है? कॉन्डम दो आदमियों के बीच में शारीरिक संबंध बनाने के लिए यानी इंटरकोर्स करने के लिए यूज होता है और ये हमें एचआईवी एसटीडी जैसी बीमारियों से बचाता है। और वो देसी नुस्खे नाम का होते हैं जिससे आज मुझे पीसीओ और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन यानी अनियमित पीरियड्स जैसी बीमारी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने अनुभवों से दूसरों के अनुभवों से भी सीखा जा सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लिए बिना गोलियां ना खाए। दिक्कत तो इतनी सारी है और इसका सोल्यूशन कब मिलेगा? इस समस्या के समाधान के लिए हमें जाना पड़ेगा समस्या की जड़ तक। चल मेरे साथ। बॉडी पार्ट बनाना, बॉडी पार्ट बनाना मैडम जी हमको आज बनाना। जिससे ना बढ़ पाए हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास। माँ बाप का हक बनता है कि उनके बच्चे उनका आदर सत्कार करें, उनका सम्मान करें। बच्चों का भी हक बनता है कि उन्हें सही शिक्षा मिले, उन्हें कोई क्वांटम सेक्स पीरियड कंसेंट जैसे अन्य विषयों पर खुल के बात करें, उन्हें समझा सके।